भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन सैनी जी, करौली के सांसद श्री मनोज रजौरिया जी, अरे भाई पुलिस वालों सब ठीक है, बैठ जाओ, सब ठीक है, करौली के प्रत्याशी श्रीमान ओपी सैनी जी, सैनी साहब आ गया हो आप, सपोत्रा की प्रत्याशी श्रीमती गोलमा देवी जी, हिंडोन की प्रत्याशी श्रीमती मंजू जी, यहां से पूर्व विधायक महारानी रोहिणी देवी जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी, और आज ये विशाल जनसभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों 7 तारीख को राजस्थान की जनता ने तय करना है कि अगले 5 साल तक राजस्थान के अंदर किसकी सरकार होगी, किस पार्टी की होगी, किस व्यक्ति की होगी, ये निर्णय करना है। दो खेमे पड़ गए हैं, एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा जी और सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और दूसरी ओर ना नेता है ना नीति है, कांग्रेस की सेना खड़ी है। राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं, राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, राहुल बाबा आपकी सेना का सेनापति कौन है वो तो राजस्थान वालों को बताओ, बताना चाहिए हमें, बताना चाहिए भैया, सेनापति नहीं है, जिले लेकर जो है वो गांधी नेहरू परिवार ही है और कुछ नहीं है। मुझे बता क्यों होता है, अभी मैं टीवी पर देख रहा था बीकानेर में कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा डालने की प्रक्रिया चल रही थी, साथ में कार्यकर्ता खड़ा होगा, उसने कहा भारत माता की, अभी तो पूरा बोले उसके पहले प्रत्याशी ने साइड में बुलाया और कान में कुछ कहा, बाद में वो एकदम गंभीर हो गया और बोला सोनिया गांधी की है। मुझे बताओ करौली वालों, जिनको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है उसको इस देश का अन्न खाने का अधिकार है क्या? भारत माता की जय की जगह अपने नेताओं की जय उड़ाना पसंद करते हैं, इनको देश की राजनीति के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जहां जहां घूमोगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछेंगे कि भारत माता की जय आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, जय बोलते हुए शर्म नहीं आपको, चुल्लू पर पानी में डूब करो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर देह में प्राण भी नहीं रहा, अचेतन देह जमीन पर खड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता बोलेगा भारत माता की तो दो क्षण के लिए, तो देह में दो क्षण के लिए प्राण वापिस आ जाएंगे और हमारा हाथ बोलेगा भारत माता की। हम उस पार्टी के आप क्या राजस्थान का भला करोगे? मित्रों आज मैं जब करौली आया हूं तो कौला देवी माता जी, कल्याण राय जी महाराज और मदन मोहन जी के चरणों में भी मेरा झुक कर प्रणाम करता हूं और मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। अभी अभी
अभी मैं मैंगलोर से यहां आने आ रहा था, मध्य प्रदेश जा रहा था, वेटिंग रूम में बैठा था, विमान अभी आया नहीं था। तो विमान आया नहीं था, मैंने टीवी चालू किया तो टीवी पर राहुल बाबा दिखे, समझ रहे हो भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल बाबा दिखाई पड़े और वो बोले मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए 5 साल में क्या किया। राहुल बाबा आप नरेंद्र मोदी जी को सवाल करते हो? राहुल बाबा हमें आपसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, एक करौली की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, हम उनको जवाब देंगे। माताओं बहनों में राहुल बाबा को जवाब देने नहीं आया हूँ, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जब चुनाव में जाते हैं पाई पाई और पल पल का हिसाब लेते हैं। मैं मेरे साथ हिसाब लेकर आया हूँ, कान खोल कर सुन लेना, पायलट साहब आप भी घूमते हो, गहलोत जी आप भी घूमते हो, जब आपकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने राजस्थान के लिए क्या किया? मित्रों कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से 1,09,242 करोड़ रुपया दिया, 1,09,000 कितना दिया था, 1,09,000 करोड़ रुपया। आपने 14 के चुनाव में मोदी जी की सरकार बना दी, भोले शंकर की तरह कृपा कर सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया, 14वां वित्त आयोग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर, ध्यान से सुनिएगा, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम इस भारतीय जनता अपने नोट उतरे हो, आपसे 2.5 गुना पैसा, आपसे 2.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया है। इसके अलावे मुद्रा बैंक में 30,000 करोड़, अमृत मिशन में 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत में 409 करोड़, एक लगे आदिवासी बच्चों के लिए रेसिडेंट स्कूल के लिए 2,400 करोड़, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन का 457 करोड़, कृषि सिंचाई योजना 199 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना का 220 करोड़, कुल 36,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप हमें सवाल सकते कि हमने क्या किया? मैं हिसाब किताब पूरा नहीं करा, क्योंकि आज मुझे करोड़ी में आना, ये मेरे पास पूरी सूची है, मोदी जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शहर के लिए 130 योजनाएं चालू कर दी है, 130। मैं जोर से पढ़ता हूं भाई, इन्होंने हिसाब मांगा है, मैं करौली की जनता को हिसाब देना आया हूं, परंतु मेरे पास समय की कमी, ये सुनते सुनते आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तो ताली बजाकर मुझे रोक लेना, पढ़ू जोर से पढ़ो तो सुने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सीधा योजना, अरे भैया अभी तो 12 हुए हैं, आपने 12 में ताली बजा दी, नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और वसुंधरा राजे सरकार ने भी यहां पर ढेर सारी योजनाएं लाई, भामाशाह योजना के 24 लाख लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के 43 लाख,
मुद्रा योजना के 50 लाख, आवास योजना के 13 लाख, सारी महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी कॉलेज की यूपीए को स्कूटी देने का काम, राजश्री योजना में 11 लाख बेटियों को फायदा पहुंचाना, 80 लाख टॉयलेट बनाकर राजस्थान की माता और बहनों को सम्मान के साथ जीने का विचार ये भारतीय जनता पार्टी इसको ढेर सारे काम किए और मित्रों, मैं करौली की बात करूं तो करौली के अकेले जिले में, अरे सुनो भाई, करौली के अकेले जिले में सड़कों के लिए 42 करोड़ खर्चे हैं, 130 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जल स्वावलंबन योजना में 3 करोड़, भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 10,000 लोगों को फायदा पहुंचा है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना 9400 बेटियों को उसका फायदा पहुंचा है, 21,000 महिलाओं को अकेले करौली में गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी अन्नपूर्णा रसोई के तहत 5 स्मार्ट रसोई चालू की है, ग्रामीण आवास योजना के तहत 3,000 लोगों को घर बांध कर दिए हैं और 7400 किसानों को 21 करोड़ रुपया सिर्फ करौली विधानसभा में माफ किए ध्यान से 7400 किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, हमें पूछना, आप जब ने राजस्थान का बजट था 94,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ाकर 2,12,000 करोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी, राजस्व 52,000 करोड़ रुपया हुआ था, राजस्व को 52,000 से बढ़ाकर 1,12,000 पहुंचाने का काम वसुंधरा राजे जी ने किया है। और प्रति व्यक्ति आय 61,000 पर 7 पूरा दीजिए, आज इसको बढ़ाकर 78,000 ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 साल तक मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई रोकता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उड़ी के अंदर फिर से पाकिस्तान ने आतंकवादी घुस गए, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया, 12 दुश्मन जवान जिंदा जित गए, पूरे देश के अंदर एक प्रकार से हताशा निराशा गुस्सा क्रोध की क्या हो सकता है। मित्रों, इस बार मोदी बाबा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुर को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुर ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर भागी। और मित्रों, एक कांग्रेस वालों को मालूम नहीं पड़ेगा, एक क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले दुनिया में कोई नहीं है मित्रों जो अपने जवानों के खून का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। 1970 से एक घुसपैठिए देश के अंदर घुसे हैं, दीमक की तरह देश के भविष्य को चाट रहे। आप मुझे बताओ,
देश में से अवैध दूध पेटियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो करो बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आसाम में हमारी सरकार आई, हम एनआरसी लेकर आए, एनआरसी के तहत आसाम में 40,00,000 दूध पेटियों को चिन्हित किया, उनको निकालने की शुरुआत करी। अरे ताली मत बजाओ भाई, आप तो खुश हो गए, आप तो खुश हो गए जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, मगर वहां और होगा संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह राहुल बाबा हैं, तो अपनी पूरी इनको क्यों निकाल रहे हो? क्या जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनके ह्यूमन राइट का क्या? जैसे मोटेरे भाई लगते हो ऐसे जो इन्होंने आक्रमण करना चाहते, तो कहने लगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट करिए, इस देश में घुसपैठिए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? राहुल गांधी स्पष्ट नहीं करते हैं मित्रों, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको जितना रोना है उतना रोने दो, जितना आक्रंद करना है उतना आक्रंद करने दो। 18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। मैं राजस्थान वालों को प्रश्न देता हूं, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक गुटखे को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम विभाग ने किया। कांग्रेस वाले देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश को विकसित नहीं कर सकते, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, मगर उनको सपना देना सरकार बना। मैं अभी सुन रहा था राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, मैंने टीवी पर देखा भी दिन है या रात है, मगर दिन था, सपने देखना अच्छी बात है मित्रों, मगर दिन में सपने देखते हैं क्या? देखते हैं भैया, ये कांग्रेसी दिन में सपने देखते भैया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल बाबा आपकी पार्टी का चुनावी इतिहास दिखा कर देख लो, दूरबीन लाइन ढूंढोगे तो भी दिखाई नहीं पड़ेगी कि कहां पर बैठी है। और जो इनको मालूम ना हो, इनको मालूम ना हो, मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप बोलना। सबसे पहले चुनाव 2014 के बाद महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र में क्या हुआ? कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार आई। जोर से बोला, कांग्रेस गई। दूसरा हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा आसाम में कांग्रेस गई, छठा मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवां नागालैंड में कांग्रेस गई, आठवां मेघालय में कांग्रेस गई, नौवां हिमाचल में कांग्रेस गई, दसवां त्रिपुरा में कांग्रेस गई, 11वां उत्तराखंड में कांग्रेस गई, 12वां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, 12वां गुजरात में फिर से भाजपा आई, 13वां गुजरात में फिर से भाजपा आई, 14वां गोवा में फिर से भाजपा आई। देश में 19 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा शांत साथ आज भरा है मित्रों, शांत साथ। करोने वालों बताओ, अब राजस्थान का चुनाव है, अब राजस्थान का चुनाव है, मुझे बताओ, आप लोग भी बताओ, राजस्थान में क्या करने वाले हो? जरा जोर से बोलो, कैसे ने भी सब लोग बोलो, राजस्थान में क्या करने वाले हो? भाजपा की सरकार बनाओगे? कैसे ने हाथ उठाकर जोर से बोलो, भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? राजस्थान को समृद्ध प्रदेश बनाओगे? वसुंधरा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जिंदाबाद।